हाय फ्रेंड्स, हम अक्सर देखते हैं किसी भी उम्र में किसी भी आदमी को, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, हर आदमी को नेक पेन या शोल्डर पेन की शिकायत हमेशा रहती है। तो नेक पेन और शोल्डर पेन होने की वजह, आपको शोल्डर पेन और नेक पेन आपको आपकी जो रेगुलर नींद से उठते हो, तो नींद से उठने के बाद सुबह में आपको पता चल जाता है कि तुम्हारे नेक में पेन है, शोल्डर में पेन है। इसका कारण यह है कि अगर आप सही पोजीशन में नहीं सोए हो, जब हम सुबह में उठते हैं तो नेक पेन हो जाती है। टुकड़े पर हेलमेट पहनकर आप जब ऑफिस जाते हो या ऑफिस से घर आते हो तो आपको पता चलता है कि नेक में थोड़ा सा दर्द है, शोल्डर में थोड़ा सा दर्द है। तो इसका यह कारण है कि आप ज़्यादा देर तक उसी पोजिशन में रहने के बाद आपको नेक पेन या शोल्डर पेन हो सकता है। मोबाइल फ़ोन भी नेक पेन या शोल्डर पेन का कारण अभी बना हुआ है। क्या होता है कि आप ज़्यादा देर तक फ़ोन पर एक ही डायरेक्शन में देखते रहते हो तो इसके कारण आपको नेक पेन या शोल्डर पेन हो सकती है। और इसके अलावा और भी कुछ बहुत बड़े रीजन हो सकते हैं कि जिसके कारण आपको नेक पेन या शोल्डर पेन हो सकती है। नेक पेन और शोल्डर पेन से रिलीफ पाने के लिए कुछ जरूरी एक्सरसाइजेस होती है, कुछ योगा टिप्स भी होती है, लेकिन आज हम देखेंगे कि जो भी कुछ जरूरी एक्सरसाइजेस है उस एक्सरसाइजेस को अपना आप अगर रेगुलरली करेंगे तो आपकी जो नेक पेन है, शोल्डर पेन है, ये इससे आप रिलीफ पा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले अगर हमारे शोल्डर में पेन है, नेक में पेन है, तो आपको चेयर पे बैठना है और चेयर पे बैठने के बाद आपको अपने उंगली ऐसे लॉक करनी है और आपका जो हाथ, दोनों हाथ है, दोनों हाथ को आगे स्ट्रेच करना है, जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करें। आपको ख्याल रखना है कि आपका जो आपकी जो पीठ है वो स्ट्रेट रखनी है, आगे लेना है। अब देखेंगे कि आपके दोनों भी पार्ट में, शोल्डर के दोनों भी पार्ट में आपको स्ट्रेच महसूस होगी और थोड़ा सा पेन महसूस होगा, और यहाँ पे भी आपको ज़्यादा स्ट्रेस और पेन महसूस होगा। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस देने के बाद आपको आपकी गर्दन को नीचे लेना है, सिर को नीचे लेना है, धीरे से लेना है, धीरे 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 चिन को सीने से लगाना है, धीरे 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 धीरे, और आपके चेस्ट को या गर्दन का नीचे का जो पार्ट है वहाँ पे आपको आपकी चिन लगानी है और यहाँ पे 10 सेकंड होल्ड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर ओरिजिनल पोजीशन में आना है, धीरे धीरे, फास्ट नहीं करना है, और बाद में आपके जो हाथ हाथ को रिलीज करना है ऐसे। आपको एक करके दिखाता हूँ, सीधा लेना है पहले हाथ, आगे आगे खींचना है जितना हो सके उतना, उसके बाद आपकी चिन नीचे लगानी है, ओरिजिनल पोजीशन में आना है और आपके हैंड्स को फ्री करना है। अब देखेंगे दोनों साइड की भी जो मसल्स होते हैं उसमें ज़्यादा आपको टेंशन आता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे आपका टेंशन आने से आपकी जो मसल्स होती है, गर्दन की मसल्स और शोल्डर की, यहाँ के ऊपर की मसल्स,
उस मसल्स को आप धीरे धीरे, आपकी मसल्स रिलीज हो जाएगी और आपकी जो शोल्डर पेन और नेक पेन है उसमें आपको राहत। इसके बाद आपको सेकंड एक्सरसाइज जो है, उस एक्सरसाइज करने में थोड़ी सी कठिन है, लेकिन आप इसके इसको अगर करेंगे तो आपकी जो नेक पेन और शोल्डर का जो पीछे का हिस्सा होता है, यहाँ का पार्ट और यहाँ का पार्ट, इसको इसकी पेन से आप राहत ले सकते हैं। तो इसको करने के लिए आपको पहले आपकी उंगलियाँ अंदर लेकर मुट्ठी बनाकर आपको यहाँ टच करना है और आप दोनों कंधे और हाथ एक ही लाइन में लेने हैं। आपको ऐसा स्ट्रेट लेना है और बाद में जोर देके आपको धीरे धीरे आपको आपकी मसल्स पर यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रेस देना है, प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद आपको धीरे धीरे आपको पीछे लेना है, जितना हो सके उतना आपको पीछे लेना है। यहाँ पे होल्ड करके आपको 1-2 आपको 10 सेकंड इसको होल्ड करना है। 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 और फिर आपको प्रेस देके आगे जहाँ आपकी फर्स्ट पोजीशन थी वहाँ पे आपकी मुट्ठियों को लेना है ऐसे, और बाद में रिलीज करना है। इसको अगर आप सुबह में या शाम में, अगर जिस भी टाइम आपको आप कर सकते हैं उस टाइम को अगर आप ये इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपकी जो शोल्डर पेन है, शोल्डर पेन में अगर आपकी ज़्यादा तकलीफ होती है तो यहाँ की जो पेन है वो पेन की रिलीज हो जाएगी। इसको आप दिन में 10 बार 20 बार कितनी बार कर सकते हैं, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको 10 सेकंड होल्ड करना है इस पोजीशन में, और इस पोजीशन में आपको 10 सेकंड होल्ड करना है। तीसरी एक्सरसाइज जो करनी है, उस एक्सरसाइज को आपको चेयर में बैठ के करना पड़ेगा। अगर आपको राइट साइड में दर्द है तो राइट साइड का जो हाथ है, इस हाथ को आप इस पोजीशन में लेके बाद में धीरे धीरे आपके बैक साइड को लेना है और जितना हो सके उसको अंदर प्रेस करना है। इसको अंदर प्रेस करके जितना हो सके उसको अंदर प्रेस करना है। बाद में आपकी जो हेड है या गर्दन है, गर्दन को धीरे धीरे लेफ्ट साइड को प्रेस करना है, और आपको यहाँ पे 10 सेकंड तक होल्ड करना है। 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 धीरे से आपको ओरिजिनल पोजीशन में आना है। अगर आपके लेफ्ट साइड को दर्द है तो आपको इस पोजीशन में लेफ्ट साइड का जो हैंड है, लेफ्ट साइड के हैंड को, लेफ्ट साइड का जो हाथ है आपका, लेफ्ट साइड के हाथ को पीछे इस पोजीशन में लाके बाद में इसको पीछे पीठ पीछे लेकर इस पोजीशन में लाना है, और आपकी जो गर्दन है, गर्दन को धीरे धीरे आपको राइट साइड को प्रेस करना है, और बाद में इसको 10 सेकंड तक होल्ड करना है। 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 और फिर छोड़ देना है। तो ये जो एक्सरसाइज है, राइट साइड और लेफ्ट साइड की एक्सरसाइज, इसको आपको चेयर में बैठकर करना ज़रूरी है। आपको दिखाने के लिए मैंने खड़े होकर और बैक साइड को आके मैंने
आपको दिखा है, लेकिन आपको चेयर पर बैठ के इस एक्सरसाइज को करना जरूरी है। इसके बाद आपको आपकी अगली जो एक्सरसाइज होगी, अगली इस एक्सरसाइज में आपको ऑल पे हाथ रखना पड़ेगा और आपकी जो चेस्ट है, सीना है, सीने को ऑल पे टच करना है। आपकी जो चिन है, चिन को भी ऑल पे टच करना है। धीरे धीरे आपका जो हाथ है, हाथ का ऊपर उठाना है। इस पोजिशन में लेके बाद में आपको धीरे धीरे स्लोली नीचे हाथ लेने हैं। बाद में इसको प्रेस करना है। इस तरह से अगर आपको आप इसको प्रेस करेंगे तो आपकी जो शोल्डर पेन और नेक पेन है, इसको आपकी आपको राहत मिलेगी, आपको इसमें इसे रिलीफ मिलेगी। आपको इस पोजीशन में 30 सेकंड तक रहना है और बाद में जिस पोजीशन से आप यहाँ तक आए थे उस पोजीशन तक आपको जाना है। इस पोजीशन में आपको आना है और बाद में रिलीज होना है। इसके बाद आपको जो एक्सरसाइज करनी है वो एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। 30 सेकंड तक होल्ड करना है। उसके लिए आपको आपकी जिस साइड में भी पेन है उस साइड का हाथ ऊपर लेना है, धीरे धीरे लेना है। बाद में आपकी जो सर है, सर को, गर्दन को नीचे धीरे धीरे, आपका जो शोल्डर है, शोल्डर पर कान को टच करना है, धीरे धीरे खींचना है। और आपका ऊपर का जो हाथ है उस हाथ को धीरे 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 से, आपका जो लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग की ओर ले जाना है। आपको महसूस होगा कि पीछे की जो शोल्डर का पार्ट है, उस शोल्डर के पार्ट में आपको हल्का सा दर्द महसूस होगा। बाद में आपका जो राइट हाथ है, राइट हाथ को धीरे धीरे ऊपर लेना है और गर्दन को छोड़ देना है, ओरिजिनल पोजीशन में लाना है। अगर आपके राइट लेफ्ट साइड में दर्द है तो लेफ्ट साइड में आपको लेफ्ट साइड का हाथ ऊपर लेना है और आपकी गर्दन, आपका जो कान है, इस शोल्डर को टच होना चाहिए, इस पोजीशन में रहना है। धीरे धीरे आपको आपका लेफ्ट हैंड राइट लेग की तरफ लेकर आना है, होल्ड करना है 30 सेकंड के लिए। फिर से आपका ऊपर लेना है और गर्दन को छोड़ देना है, रिलीज करना है। गर्दन पीछे को लेनी पड़ेगी और पीछे लेने के बाद आपकी जो बैक साइड है, बैक साइड को टच ज़्यादा से ज़्यादा टच करने की आपको कोशिश करनी है और आपको धीरे धीरे टच करते हुए आपके गर्दन को गोल घुमानी है। आपकी गर्दन, आपकी चिन, आपका कान, लेफ्ट साइड का कान, राइट साइड का कान, आपके शोल्डर को टच करके आपको गर्दन घुमानी है। इसी तरह
लेफ्ट साइड को आप घुमा सकते हैं। अगर आपने मैंने बताई हुई ये जो एक्सरसाइज अगर आपने की तो आपको कि जो नेक पेन है और जो शोल्डर पेन है, चाहे वो बच्चे हो, स्टूडेंट हो, एडल्ट हो और ओल्डर पर्सन को भी इस पेन से रिलीफ मिल सकती है। इसके लिए आपको दिन में कभी भी आप इन एक्सरसाइज को करके आप शोल्डर पेन से आप राहत ले सकते हैं। इसी एक्सरसाइज आपको 100% एक्सरसाइज से आपको पेन रिलीफ मिल सकती है। तो इस एक्सरसाइज को अगर आप करेंगे तो आपको जरूर इसका फायदा होगा। अगर तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।